नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। आज दिल्ली के हालात ऐसे हो गए हैं जहां जगह जगह दिल्ली सरकार की नाकामियों की चर्चा हो रही है, चाहे गली मोहल्ले हो, बस स्टॉप हो या फिर बाजार हो, हर जगह दिल्ली सरकार की नाकामियों की चर्चाएं जोरों पर है। ना मार्केट के हाल सुधरे हैं, ना सड़क के हाल सुधरे हैं। वाईफाई का वादा हुआ था, यूथ ने एक सोच के साथ केजरीवाल जी को वोट दिया था कि वो कुछ करेंगे। वो मोदी गवर्नमेंट को हर टाइम ब्लेम करते हैं, प्रूफ मांगते हैं हर चीज़ पे, उनको बैक करते हैं, पर उन्होंने आज तक क्या किया वो खुद बताएं, वो प्रूफ दें उन्होंने क्या किया है, दूसरों से प्रूफ मांगने की बजाय। ना सिक्योरिटी है यहाँ पे, कुछ वो सिस्टम हो, बंदा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई चेकिंग हो, त्यौहार है, कोई भी घुस सकता है इस भीड़ में, कोई चोरी हो जाए, कुछ है। दिल्ली सरकार से उम्मीदें बहुत थी पर उसने कुछ किया नहीं, जिसमें साफ नजर आता है दिल्ली सरकार की नाकामियों की दास्तां, जिसका मुख्य कारण दिल्ली की जनता से किए गए वादों को केजरीवाल का भूल जाना। वादे किए गए थे पूरे किए जिए, सरकार जिसके लिए लाई गई थी उसको पूरा करना चाहिए काम को। हमने अपना जो है पूरा सपोर्ट दिया था उन्हें, तो वो सपोर्ट पूरे करके दिखाया जाए। ये करवा चौथ का टाइम है, पूरी मार्केट लेडीज से ही भरी हुई है और सिक्योरिटी के नाम पे मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, ना कोई लेडीज गार्ड है। अभी कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी तो कोई भी इसकी जिम्मेवारी नहीं लेने वाला है। वादे सारे ऐसे के ऐसे ही रह गए, मार्केट में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मार्केट में हम लोग तो अभी शुरुआत में, आप ये हाल देख लो, बीच में तो और भी ज़्यादा भरा हुआ है मार्केट और कोई लेडी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऐसे कोई वो नहीं लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, महिलाओं के लिए बस मेहंदी लग रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ आप देखिए, आपको देखने से पता चल जाएगा, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के वादे कहाँ गए, दिल्ली के विकास के वादे कहाँ गया, फ्री वाईफाई कहाँ गया, बिजली पानी के बिलों को कम करने का वादा कहाँ गया, महिला सुरक्षा का वादा आज दिल्ली की जनता सवाल कर रही है। इसके बारे में ये ढीली सरकार है बिल्कुल, बयान जो बिल्कुल मेरे को मारेंगे तो नहीं, बयान जो पकड़ लेंगे सड़क, अच्छा सरकार बेकार है भाई, मेरे को तो कुछ नहीं दिखता भाई, सड़कें बयान टूटी पड़ी है, सब कुछ जगह वगह पे कोई काम नहीं हो रहा ठीक से, बस मुझे हमें कुछ नहीं मिल रहा जी, बाजार में कोई सुविधा कोई फैसिलिटी नहीं, इस बेवकूफ बनाने के लिए सब कुछ बेवकूफ बनाया गया। अब मैं मुंह से गाली दूंगा तो ये अच्छा नहीं लगता, मन भी यही करा कि गाली दें ऐसे बंदे को, मतलब क्या करा बाजार के लिए। आज तक केजरीवाल जहां आया उसको पता है रानीबाग मार्केट कहां है, इतना बाजार से टैक्स जाता है, सब कुछ जाता है, क्या कर रहा केजरीवाल हमारे लिए। तो केजरीवाल क्या करेगा, वो तो अपने घर बैठा है, छड़ हम रहे, जड़ हम रहे, टैक्स हम लोग भर रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद ही क्या मिल रहा हमें, क्या बाजार में कोई फैसिलिटी नहीं, एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं है। हमने अपने 10 सिक्योरिटी वाले रखे हुए हैं जिनको अपनी जेब से लाख रुपए महीना देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, मगर केजरीवाल दिल्ली छोड़ पंजाब गोवा में सरकार बनाने में व्यस्त हैं, शायद दिल्ली की जनता से किए वादों की उन्हें कोई परवाह नहीं। आपने टीवी पर अखबारों में देखा होगा अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के बयानों को, दिल्ली में हमने वादे पूरे कर दिए हैं, मगर जमीनी हकीकत जीरो नजर आती है। लगता है अरविंद केजरीवाल ने कोई नई दिल्ली बनाई है जहां विकास किया है, बिजली के दाम आधे किए हैं, वाईफाई फ्री दिया है, मगर भारत की राजधानी दिल्ली में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली की जनता तो कुछ ऐसे ही बता रही है, आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए आखिर कौन सी दिल्ली में विकास हुआ है। भारत की राजधानी दिल्ली में तो कोई विकास हुआ नहीं, अगर किसी पड़ोसी देश में कोई नई दिल्ली बनाकर विकास किया है वो हमें पता नहीं। इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी के नेताओं को देना ही पड़ेगा। यह थी हमारी खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।